गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स की एक वर्कशीट। आई होप आपने इसकी प्रीवियस वर्कशीट को देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से समझा है तो जितने भी MCQs है आप इजीली इन्हें बना पाएंगे। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, एक स्पैरो और एक क्रो की स्टोरी दी गई है। जैसा कि NCERT हमेशा की तरह करती है, स्टोरी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाती है, तो उसी तरह से इस स्टोरी के थ्रू हमने पॉट्स कैसे बनते हैं इस प्रोसेस को हमने सीखा है। सो नाउ लेट्स बिगिन। वो वर द गुड फ्रेंड्स इन दिस स्टोरी। जो आपने ये स्टोरी पढ़ी, इसमें दो अच्छे दोस्त थे, दो फास्ट फ्रेंड्स थे। वो कौन कौन थे? तो वो थे क्रो एंड स्पैरो। वो इज फुदगुदी। फुदगुदी कौन थी? फुदगुदी स्पैरो का नाम था। वो इज भनाते। भनाते कौन था इसमें? क्रो का नाम था। वो लेड द एग्स फर्स्ट। सबसे पहले जो एग्स है वो किसने ले किए थे? स्पैरो ने किए थे। व्हाट इज द पॉट मेकर कॉल्ड? जो पॉट बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पॉटर कहा जाता है। वो नीड्स अ पॉटर टू मेक अ पॉट। एक पॉटर को पॉट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्ले एंड वॉटर की। फ्रॉम वेयर कैन वी फाइंड क्लेई सोल? हमें क्लेई सोल कहाँ से मिल सकती है? मीन्स चिकनी मिट्टी हमें कहाँ से मिलती है? हमें पॉन्ड से मिल सकती है, रिवर से भी मिल सकती है, लेक से भी मिल सकती है। मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑल ऑफ दीज। वेयर इज द पॉट ड्राइड? पॉट को आप ड्राई करने के लिए कहाँ पर रखेंगे? सनलाइट में। वेयर इज द पॉट बेक्ड? पॉट को बेक करने के लिए आप कहाँ रखेंगे? उसे फायर में रखेंगे आप। हाउ इज द पॉट डेकोरेट? पॉट को डेकोरेट कैसे किया जाता है? कलर्स की हेल्प से और गेरू की हेल्प से, मीन्स बोथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द पॉटर गेट द क्ले? जो पॉटर्स होते हैं वो क्ले कहाँ से लेके आते हैं? तो उन्हें क्ले मिलती है क्ले पिट के पास से। वाई भनाते वेंट टू द रिवर? जो भनाते था वो रिवर क्यों गया था? टू वॉश हिज बेक, अपनी चोंच को धोने के लिए। हाउ मैनी एग्स डिड फुदगुदी ले? फुदगुदी ने कितने एग्स ले किए थे? ओनली वन। और मैक्सिमम कितने कर सकती है स्पैरो? 10. वो गेव क्ले टू भनाते। भनाते को जो क्ले थी वो किसने दी थी? वो दी थी क्ले पिट ने। वाई भनाते वॉश हिज बीक? जो भनाते था उसे अपनी जो उसकी बीक थी चोंच, उसको क्यों वॉश करना था? ताकि वो जो स्पैरो ने अंडे दिए हैं उन्हें खा सके। टू ईट द एग लेड बाय द स्पैरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड क्ले पिट आस्क भनाते टू ब्रिंग? क्ले पिट ने भनाते को क्या लाने के लिए कहा? जो क्ले पिट था उसके पास क्ले मिलती, तो उसने क्या बोला कि जाओ तुम ब्लैकस्मिथ के पास जाओ और वहां से ट्राउल लेके आओ, जिससे कि मैं मिट्टी खोद कर तुम्हें दूंगा। व्हाट डिड रिवर आस्क भनाते टू ब्रिंग अलोंग विद हिम? रिवर ने भनाते को क्या लाने के लिए बोला? पोट लाने के लिए बोला, जिसमें कि वो पानी भर सके। फिर डिड भनाते वॉश देयर बीक? भनाते को अपनी चोंच कहाँ पर वॉश करनी थी? रिवर में। टू वूम डिड भनाते आस्क फॉर पोट? भनाते ने पोट बनाने के लिए किसे बोला? पोटर को बोला। वो मेक्स द ट्राउल इन द चैप्टर? आपने चैप्टर को पूरा पढ़ा, इसमें आपने देखा होगा जो ट्राउल है वो कौन बनाता है? वो बनाता है ब्लैक स्मिथ। क्ले पॉट्स आर मेड डैश बाय बेकिंग दैम इन अ फायर। जो क्ले पॉट्स होते हैं उन्हें फायर में बेक क्यों किया जाता है? ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्रॉमिस वॉज अबाउट ईटिंग एग्स। एग्स को खाने का प्रॉमिस हुआ था। व्हाट द पॉटर सेड टू द क्रो? पॉटर ने क्रो को क्या बोला कि गो एंड गेट सम क्ले? क्योंकि पॉटर तो तभी बनाएगा ना पॉट जब उसके पास क्ले होगी। वू ऑल हेल्प द क्रो इन मेकिंग ऑफ द पॉट? पॉट को बनाने में क्रो की किसने हेल्प की थी? ब्लैकस्मिथ ने भी की थी, पॉटर ने भी की थी, बोथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करंट सीक्वेंस बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो क्रो था वो रिवर के पास जाता है, रिवर बोलती है कि जाओ पहले पॉट लेके आओ, फिर वो पॉटर के पास जाता है। पॉटर बोलता है कि जाओ पहले मिट्टी लेके आओ, तो फिर वो क्लेपिट के पास जाता है। क्लेपिट बोलता है मेरे पास ट्राउल नहीं है, तो आप जाओ ब्लैकस्मिथ के पास से ट्राउल लेके आओ। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। इन द अर्लियर टाइम्स पॉट्स वर मेड ऑफ
क्ले एंड स्टोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ क्ले. इनमें से वो कौन सा आइटम है जो कि क्ले से नहीं बनता है. नोट लिखा है यहाँ पर. तो मैंने वर्कशीट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले पॉट्स कराए थे, जिसमें सुराही भी था, घड़ा भी आपका क्ले से बनता है, सकोरा भी आपका क्ले से ही बनता है, जो कुकर है वो आपका क्ले से नहीं बनता है. आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स इज नॉन एज पोट्री. डिड भनाते गेट द एग्स टू ईट. क्या भनाते, लास्ट में आपने स्टोरी को लास्ट तक पढ़ा होगा, तो क्या भनाते को अंडे मिल पाए थे? सो नो. क्यों? क्योंकि जब तक भनाते पॉट में अपनी बीक को वॉश करके पहुंचता है, जब तक वो क्या होता है, वो अंडे से वो बेबी बाहर आ जाता है और वो अपनी मदर के साथ उड़ जाता है. व्हाट वॉज द क्रो सीकिंग. क्रो क्या करना चाहता था? टू ईट एग्स. वो अंडे खाना चाहता था जो कि स्पैरो ने दिए थे. आफ्टर वॉशिंग हिज बीक वेयर डिड भनाते गो. अपनी बीक को वॉश करने के बाद जो भनाते हैं वो कहाँ जाता है? टू फुदगुदी. वो फुदगुदी के पास जाता है उसके अंडे खाने के लिए. पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है. आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस वर्कशीट में बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है. उन मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है. और आपको वर्कशीट कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें. यदि आपको कहीं डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. आपको एनसीईआरटी वर्कशीट्स पसंद आती है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आपको यदि वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैप्टर 16 गेम्स वी प्ले की वर्कशीट के लिए आप रेडी रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.